अस्सलाम वालेकुम आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि आप किस तरह अपना एक ऑनलाइन स्टोर क्रिएट कर सकते हैं अपनी एक ऑनलाइन ई कॉमर्स की वेबसाइट बना सकते हैं और मैं ये आपसे प्रॉमिस करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद अगर आपके पास किसी भी किस्म का टेक्निकल नॉलेज नहीं है फिर भी आप सेम यही स्टेप जो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं फॉलो करेंगे तो आप अपना ई e कॉमर्स का स्टोर एक ऑनलाइन शॉप क्रिएट कर सकेंगे अच्छा इस वीडियो को बनाने का भी एक मकसद है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं जैसा कि हूँ हबीबुल्ला कलर वाले से कमेंट आया है जो कि पंजाब के अंदर एक छोटा सा कस्बा है हबीबुल्ला साहब ने मुझे कमेंट करके ये बताया कि मेरी एक छोटी सी दुकान है जो कि मैं पिछले दस साल से चला रहा हूँ लेकिन अब हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि मेरा गुजर बसर नहीं हो रहा काइंडली मुझे कई ऑनलाइन काम बताएं जो कि मैं कर सकू अपनी दुकान चलाने के साथ साथ और मेरी भी ऑनलाइन अर्निंग हो जैसे मैंने उनका कमेंट पढ़ा तो मैंने उनसे पूछा कि आप कौन सी दुकान चला रहे हैं तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरी नमक की दुकान है यानी कि नमक जो कि हार्ड पीस कर मैं मुख्त के ऊपर सप्लाई करता हूँ मशुरा तो मैंने उनको दिया मैं आपको प्रॉपर वही मशवरे के साथ साथ आपको काम करके भी बताने जा रहा हूँ कि आप किस तरह अपने फिजिकल बिजनेस को चाहे वो छोटे लेवल का ही है चाहे कितना भी छोटा हो कोई हैंडीक्राफ्ट आप घर में बैठी कोई वुमन कोई चीज बना रही है अपने हाथ से कोई कढ़ाई का काम का कर रही है कोई हैंडीक्राफ्ट्स बना रही है छोटे से छोटे से बिजनेस को आप ऑनलाइन में शिफ्ट कर सकते हैं देखें जैसा कि किले कलर वाले की मैंने एग्जाम्पल दी आप इससे भी छोटे किसी गाँव में रहते होंगे या इससे बड़े सिटी में रहते होंगे लेकिन जब आपने कोई फिजिकल शॉप बनाई होती है तो आपके लिमिटेड कस्टमर होते हैं सिर्फ उसी एरिया के और अगर आप उसी शॉप को ऑनलाइन ले जाए तो आपके कस्टमर की तादाद बहुत बड़ी हो जाती है पूरे पाकिस्तान बल्कि ग्लोबली आपको उस वेबसाइट या उस ऑनलाइन स्टोर के जरिए लोग आपको एक्सेस कर सकेंगे और आपकी प्रोडक्ट बाय कर सकेंगे देखें एक छोटे से कस्बे से एक छोटे से विलेज से आप अपनी शॉप को कितना एक्सपेंड कर सकते हैं ग्लोबली लेके जा सकते हैं मैं आपको यहाँ पर बताता चलू जो दुकानदार हजरा है उन्होंने गौर किया होगा कि मार्केट में अब रश बहुत ही ही काम होता है उसकी रीजन कुछ हद हाँ तक तो ये भी है कि लोगों के फाइनेंशियल हालात टाइट हो रहे हैं लेकिन इसकी एक और भी वजह है वो दूसरी वजह ये है कि जो जेंसीज हैं नई जनरेशन है वो बहुत ही लेजी है सुस्त है और वो चाहते हैं कि सिर्फ वो अपने मोबाइल को यूज करते हुए सारा का सारा काम करें इसलिए वो मोस्टली ऑनलाइन शॉपिंग को प्रेफर करते हैं अपना मोबाइल उठाया ऑर्डर किया और घर में उनके चीज पहुंच गई ये मैं जें की बात कर रहा हूँ इससे जो ऊपर वाली जनरेशन है आपकी माम डैड्स भी हैं जो वो भी कोशिश करते हैं कि रश वाली जगहों पर ना जाया जाए सिर्फ घर बैठे ही ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया जाए इसलिए पाकिस्तान में भी पूरी दुनिया की तरह ई कॉमर्स का रुझान बढ़ता जा रहे हैं और लोग ऑनलाइन शॉपिंग को प्रेफर करते हैं यहाँ पर मैं आपको पाकिस्तानी ई कॉमर्स मार्केट का शेयर भी बताता चलो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दो में जो प्रोजेक्टेड है छह मिलियन डॉलर की ये इंडस्ट्री है इतना प्रोजेक्टेड रेवेन्यू है दो का और ये सिक्स परसेंट ग्रोथ रेट के साथ इंक्रीज होता चला जा रहा है जैसे जैसे लोगों के पास इंटरनेट आ रहा है लोग प्रेफर करेंगे कि वो ऑनलाइन ही शॉपिंग करें सो so, अगर आपकी भी फिजिकल शॉप है तो आप अभी से आज से ही अपनी ऑनलाइन शॉप क्रिएट जरूर कर लीजिए मैं फिर बता रहा हूं कोई मुश्किल नहीं है शॉप क्रिएट करना इस वीडियो में हम आपको अभी सिखा दूंगा इस वीडियो के एंड होने के बाद आप सेम प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा आपका विद इन सेकंड्स आपकी शॉप लाइव हो जाएगी सो इसका मतलब यह की वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है तीन तरह के लोगों के लिए नंबर वन जिनकी ऑलरेडी शॉप्स हैं जो ऑनलाइन शिफ्ट होना चाहते हैं नंबर दो वो लोग जो बिजनेस अपना स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन फिजिकल शॉप क्रिएट नहीं करना चाहते घर बैठे अपना ऑनलाइन समाल सेल करना चाहते हैं उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है और तीसरे नंबर पर वो लोग जो शॉप भी नहीं डालना चाहते हैं लेकिन फिर भी यही काम सीख कर जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ इस काम की सेम सर्विसेज देकर पैसा बनाना चाहते हैं देखें ये काम सीख लीजिए ऑनलाइन ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाना सीख लीजिए अपने सिटी में निकली शहर में निकली जितनी भी शॉप आपको नज़र आती हैं सब के ऑनलाइन स्टोर क्रिएट कर दीजिए और हर बंदे से अगर पाँच पाँच छः छः हज़ार रुपया भी चार्ज करेंगे तो आप देखें कितना ज़्यादा पैसा बना सकते हैं सो आपने इस वीडियो का कोई स्टेप भी मिस नहीं करना ताकि आप अपनी भी और अपने क्लाइंट्स की शॉप क्रिएट कर सकें और ऑनलाइन पैसा बना सकें तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं देखिए ऑनलाइन शॉप क्रिएट करने के लिए या ई कॉमर्स की वेबसाइट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगी होस्टिंग बिकॉज ये आपका अपना एसेट होगा अपनी अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग होगी सारी चीज़ें आपकी अपनी होंगी इसलिए आप अपनी होस्टिंग जरूर बाय कीजिएगा सिर्फ यही आपकी कॉस्ट होगी उसके लिए सिंपल इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक दे रहा हूँ डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट होस्टिंगर डॉट कॉम स्लेश नाइनडीज मेट और इसके थ्रू आप आ जाए जैसे आप लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ये होस्टिंगर की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी सिंपल क्लेम डील के ऊपर क्लिक कीजिएगा यहाँ पर ये देखिए प्रीमियम वेब होस्टिंग आपने ये वाली सिलेक्ट कर लेनी है जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे आपके सामने नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगी इस विंडो के अंदर आप अपनी मर्जी से एक साल वाली दो साल वाली या फिर चार साल वाली होस्टिंग बाय कर सकते हैं जैसा कि मैं एक साल वाली सिलेक्ट कर लेता हूँ इसमें आपको डोमेन नेम फ्री मिल जाएगा सिंपल आपने यहाँ पर आना थर्टी फाइव डॉलर की है कपोन पे क्लिक कीजिएगा अगर आप यहाँ पर नाइनटीज में डोर का कपोन ऐड कर लेंगे मेरे लिंक के थ्रू आने के बाद अप्लाई कुपोन कोड पे क्लिक कीजिएगा आपकी यही होस्टिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं थर्टी टू डॉलर में आपको मिल जाएगी इसके बाद अपने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की डिटेल यहाँ पर एंटर करके सिक्योर पेमेंट में करेंगे आपकी होस्टिंग बाय हो जाएगी इसके बाद आपकी होस्टिंग बाय हो जाएगी और आपके सामने इस तरह की विंडो नजर आ जाएगी आपने सिंपल क्या करना है कि आपने यहाँ पर डोमेन्स पे क्लिक करके अपनी मर्जी की डोमेन यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे डोमेन होती है आपकी वेबसाइट का एड्रेस देखिये जैसे मुझे अबीबुल्ला की तरफ से कमेंट आया था कि जैसे उसकी नमक की दुकान है सो मैं चाहता हूँ कि मेरी नमक की दुकान ऑनलाइन शिफ्ट हो जाए अच्छा यहाँ पर बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि साल्ट सिर्फ नमक की दुकान है क्यों देखिए मैं आपको बताता चलूँ एक एग्जाम्पल है आप अपनी मर्जी से अपने स्टोर के मुताबिक अपने प्रोडक्ट के मुताबिक स्टोर क्रिएट कर सकेंगे न मैं किसी पिंक साल्ट का मैं आपको मार्केट शेयर बताता चलू यहा पर ये देखिए ग्लोबली 226 मिलियन का इसका मार्केट शेयर है क्यों लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं और उनको पता है कि पिंक साल्ट जो होता है वो सेहत के लिए अच्छा होता है सो ग्लोबली यानी कि पाकिस्तान में नहीं पाकिस्तान का जो पिंक साल्ट है वो पूरी दुनिया में मशहूर है इसकी यहाँ पर ये देखें प्रोडक्ट देख लें डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं लोग सिर्फ पिंक साल्ट खाने में ही नहीं इस्तेमाल करते इसकी डिफरेंट प्रोडक्ट बनाकर भी इस्तेमाल करते हैं जैसा ये लैंप वगैरह हैं। इस तरह की ये देखें होम डेकोरेशन की चीज़ें भी बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा स्कोप है बहुत एक्सपेंसिव मिलती है फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर एमेजान पे दिखाता चलो यहाँ पर ये देखिए पिंक साल्ट जो कि पाकिस्तानी पिंक साल्ट है लोग हमालिया के नाम से भी इसको सेल कर रहे हैं जो इंडियंस वगैरह हैं यहाँ पर ये यह देखिए कितनी ज़्यादा एक्सपेंसिव ये सेल हो रहे हैं नौ डॉलर दस डॉलर यहाँ पर थर्टीन डॉलर सिक्सटी वन डॉलर तो इसलिए मैं चाहूँगा कि मैं पिंक साल्ट के रिलेटेड अपनी शॉप क्रिएट करूँ सो so, यहाँ पर मैंने पिंक साल्ट डार्ट शॉप मैंने यहाँ पर क्लिक किया सर्च के ऊपर क्लिक किया मैं देखता हूँ ये डोमेन नेम अवेलेबल है कि नहीं है यहाँ पर जैसे ही मैं देखता हूँ यहाँ पर यह देखिए चेक हो रहा है अभी आपके सामने चेक होता है आपको बताता हूँ यहाँ पर ये देखिए पिंक सॉल डॉट शॉप अवेलेबल है यहाँ पर यह देखिए बाय का बटन इसलिए आ रहा है कि मैं ऑलरेडी एक डोमेन ले चुका हूँ यहाँ पर यह देखें आपका यहाँ पर फर्स्ट टाइम आएगा क्लेम योर फ्री डोमेन यहाँ पर अगर आप वन ईयर की होस्टिंग लेते हैं यहाँ पर आपको ये डोमेन फ्री में मिलेगी जैसे आप इसको सिक्योर करते हैं आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन नजर आ जाएगी और उसके बाद आपने अपनी वेबसाइट बनाना स्टार्ट कर देनी है वो कौन सी है वो भी आपको मैं बताता हूं डोमेन सिक्योर करने के बाद आपने होस्टिंगर पैनल में आ जाएगा सिंपल अपने डोमेन के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे आपने होस्टिंगर बिल्डर यहां पर इंस्टॉल कर लेना है वर्ड नहीं होस्टिंगर बिल्डर इसका क्या फायदा है यहां पर देखे ई e कॉमर्स में जब आप सिलेक्ट करेंगे आपके सामने डिफरेंट तरह की ई e कॉमर्स के टेम्पलेट्स प्रीमियम नजर आ जाएंगे जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगे उसी तरह की आप अपनी शॉप क्रिएट कर सकेंगे यहाँ से कोई एक टेम्पलेट मैं ओपन करके दिखाता हूँ और उसी को हम मॉडिफाई करते हैं यहां पर ये देखिए जैसे कि ये वाला यहाँ इसके प्रीव्यू पे मैं क्लिक करता हूँ होम डोर की एक ई कॉमर्स साइट ओपन हो चुकी है यहाँ पर ये देखिए ये सेम टेम्पलेट हम यूज करेंगे इसको मॉडिफाई करेंगे देखिए होस्टिंगर बिल्डर हम इसलिए यूज कर रहे हैं इसमें कोई कोडिंग की जरूरत नहीं है कोई प्लग इन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है सारी की सारी चीजें इसमें दी हुई है बस आपने अपनी मर्जी अपनी प्रोडक्ट के मुताबिक इसको मॉडिफाई करना है यहाँ पर ये देखिए ये बहुत ही रिस्पॉन्सिव साइट है मोबाइल के ऊपर भी यहाँ पर ये देखिए इतनी रिस्पॉसिव साइट आपने नहीं पहले देखी होगी इतनी फास्ट साइट है ठीक है यहाँ पर ये देखिए इसके मोबाइल के मेन्यू वगैरह भी नजर आ रहे हैं सो so, ये वाला मुझे होम वाला टैंपलेट पसंद आ गया सिंपल मैंने सेलेक्ट टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करना है जैसे मैं टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करूंगा मेरे सामने ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी यहां पर मैंने सारा का सारा स्टोर अपना सेटअप करना है मॉडिफाई करना है सो so, मेरी जो ब्रांड नेम है पिंक साल्ट उसके मुताबिक मैं इसको मॉडिफाई करता हूं उसके लिए सबसे पहले मैंने क्या करना होगा यहां पर ये देखें आपके सामने ये मेन्यू नजर आ रहे हैं लेफ्ट साइड की तरफ सो सबसे पहले मैं इसका हैडर चेंज करूंगा यहां पर ये हैडर के ऊपर मैंने क्लिक किया हेडर के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो होबर्ट का है यहां पर ये लोगो है इसको मैं चेंज करूंगा यहां पर इसके ऊपर मैंने क्लिक किया क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये देखिए चेंज लोगो की ऑप्शन नजर आ रही है आपको चेंज लोगो के ऊपर आपने क्लिक करना है उसके बाद आपने क्या करना है नीचे जब सबसे एंड पर आ जाएं यहाँ पर ये देखिए अगर आपके पास ऑलरेडी लोगो बना हुआ है तो यहाँ पर अपलोड कर लीजिए अगर नहीं बना हुआ तो यहाँ पर ये देखिए लोगो मेकर नीचे ऑप्शन नजर आ रही है होस्टिंगर वाले आपको ये ऑप्शन भी दे रहे हैं इसके ऊपर सिंपल आपने ब्रांड नेम लिखना है अपना स्लोगन लिखना है ब्रांड इंडस्ट्री लिखनी है और यहाँ पर स्टार्ट क्रिएटिंग के ऊपर आपने क्लिक कर देना है ऑटोमेटिकली ये ए टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए आपकी वेबसाइट आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए आपका लोगो भी क्रिएट कर देगा यहाँ पर ये यह देखिए पिंक साल्ट मैंने लिखा था यहाँ पर ये यह देखिए कितनी ज़बरदस्त यहाँ पर लोगो आ चुके हैं आप अपनी मर्जी से कोई एक सेलेक्ट कर लीजिएगा फॉर एग्जाम्पल मुझे ये पसंद आ रहा है सिंपल मैंने इसको सेलेक्ट करना है और इसको मैंने डाउनलोड कर लेना है आप भी सिंपली इस तरह अपना एक लोगो क्रिएट कर लीजिएगा ई e शॉप के लिए अपनी ई कॉमर्स साइट के लिए डाउनलोड फॉर फ्री के ऊपर मैंने क्लिक किया ये डाउनलोड हो चुका है अब दोबारा मैं इसी विंडो के ऊपर आया होस्टिंगर पैनल के ऊपर यहाँ पर देखा रिप्लेस इमेज के ऊपर मैंने क्लिक किया और जहां पर मैंने वो लोगो डाउनलोड किया था वहां से मैंने क्लिक करके इसको अपलोड कर दिया और यहां पर मैंने इसको सेट फाइल करके यहाँ पर स्लेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर यह देखिए मेरा लोगो यहाँ पर ऊपर अपलोड हो चुका है अभी ये आपको लोगो छोटा नजर आ रहा होगा देखें सम टाइम ऐसा होता है वर्ल्ड प्रेस की वेबसाइट के अंदर अगर छोटा लोगो आ रहा है तो उसको सेट करना बहुत ही मुश्किल होता है दोबारा से लोगो बनाना पड़ता है लेकिन यहां पर आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी यहां पर ये यह देखिए आपको लोगों की विट यहां से नजर आ रही है यहां से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर ये देखें स्क्रोल करके आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं जैसे कि मैंने इसका साइज परफेक्ट चेंज कर लिया है अब मैं इसको सेव कर दूंगा यहाँ पर ये देखें मैंने इसको सेव कर दिया यहाँ पर लेआउट के बाद यहाँ पर इसको सेव कर देना है मैंने सेव के बटन पर क्लिक करके ओके okay होगा जी यहाँ तक मेरा पहला काम कंप्लीट हो गया अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर ये देखे अबाउट अस का पेज जो है उसको सबसे पहले देखिए शॉप को बाद में पहले अबाउट अस का पेज चेंज करते हैं उसके लिए क्या करना होगा सिंपली यहाँ पर यह देखिए ये सारी चीज़ों को मैं चेंज कर लेता हूँ सबसे पहले यहाँ पर यह देखिए इस इमेज को मैं चेंज करूँगा जो अबाउट उसकी, उसकी मेन इमेज है उसको मैं चेंज, चेंज करूँगा उसके ऊपर आपने क्लिक करना है सिंपल क्लिक कीजिएगा क्लिक करने के बाद यहाँ पर यह देखिए आपको ऑप्शन नजर आएगी चेंज इमेज आपने इसके ऊपर क्लिक करना है देन यहाँ पर यह देखिए आप यहाँ से रिप्लेस इमेज के ऊपर क्लिक करके फ्री इमेज फ्री इमेज की ऑप्शन नजर आ रही है यहाँ से ये देखिए आंसप वालों के साथ ये कनेक्टेड है जो भी आप लिखेंगे मैंने पिंक साल्ट लिखा है यहाँ से पिंक साल्ट की कोई अच्छी सी इमेज स्टॉप फ्री इमेज मैं यहाँ से ले दूंगा ठीक हो होगा जी यहाँ पर और भी ज़्यादा इमेजेस हैं लेकिन मैं यहाँ से पिंक साल्ट की इमेज लेकर इसको मैं अबाउट असल पेज में यहाँ से ही मैं सेलेक्ट कर लूंगा यहाँ पर ये देखिए कितना सिंपल है बहुत ही सिंपल है किसी कोडिंग नॉलेज की जरूरत नहीं है बस आपकी क्रिएटिविटी चाहिए जिस तरह की आप चाहेंगे उस तरह की आपकी साइड बनेगी उसके बाद यहाँ पर स्क्रोल ऑन करते हैं यहाँ पर अबाउट होबर्ट की जगह यहाँ पर लिखते हैं पिंक साल्ट यहाँ पर डबल क्लिक करके मैं इसको एडिट कर लेता हूँ तो आप भी एडिट कर लीजिएगा उसके बाद मैं चैट जीपीटी में चला गया मैंने कहा अबाउट इसका पेज मुझे लिख के दे बहुत बड़ा पेज लिख दिया इसमें से सिर्फ मैं एक पैराग्राफ ले लूँगा छोटा सा यहाँ पर देखिए कोई भी चीज़ लिखवानी हो चैट जी पर आप आ जाइएगा ठीक है यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया यहाँ पर आकर मैंने इसको पेस्ट कर दिया ये देखिए मेरे अबाउटस का पेज और उसकी थोड़ी सी उसकी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी अब यहाँ पर जो तो मेन दो इमेजेस हैं इनको मैं चेंज कर लेता हूँ यहाँ से पिंक साल्ट की इमेजेस अपनी प्रोडक्ट की इमेजेस आप लगा सकते हैं जो जो सी प्रोडक्ट की यह देखिए मैंने एक लैंप की लगा दी साल्ट के और दूसरी में यहाँ पर जो हार्ड फॉर्म में नमक है उसकी मैं पिक्चर लगा देता हूँ आप इस तरह लगा लीजिएगा और यहां पर यह देखिए अपनी टैग लाइन को आप चेंज कर सकते हैं सिंपल डबल क्लिक करके एडिट कर लीजिएगा जो भी आप यहां पर लिखना चाहें यहां पर मैंने लिख दिया बाय बिलाल और इसको मैंने यहाँ पर यह देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर यह जो सोशल बटन आपको नजर आ रहे हैं यहां पर आप अपने सोशल मीडिया के अकाउंट कनेक्ट कर सकते हैं सिंपल इसके ऊपर आपने क्लिक करना है जैसे आप क्लिक करेंगे आपने एडिट के ऊपर क्लिक करना है एडिट आइकॉन के ऊपर आप क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर आप अपने सोशल मीडिया के सारे अकाउंट अटैच कर सकते हैं फॉर एक्जाम्पल इसके ऊपर एडिट करिएगा यहाँ पर करके सेटिंग एडिट और यहाँ पर अपने सोशल मीडिया ट्विटर का अकाउंट ऐड कर लीजिएगा इसी तरह मैं फेसबुक का अकाउंट ऐड कर लूंगा इसी तरह मैं इंस्टाग्राम का अकाउंट ऐड करूंगा आप इस सिंपली इस तरह इसको ऐड कर लीजिएगा इससे क्या होगा जब भी बंदा आपकी वेबसाइट के ऊपर आएगा आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी वो विजिट कर सकता है सो इसको सिंपली मैंने ये चेंजिंग कर दी इसको सिंपल सेव कर देना है मैंने यहाँ पर मेरा अबाउट का पेज रेडी हो चुका है अब मैं अपना कॉन्टैक्ट का पेज यहाँ पर ये देखिए कॉन्टैक्ट टेस्ट का पेज मैं यहाँ से चेंज करूँगा सेम उसी तरह आपने इमेज पहले इसकी चेंज करनी है बैकग्राउंड की इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर देखिए चेंज बैकग्राउंड इमेज इसके ऊपर मैंने क्लिक किया आपने यहाँ से पिंक सार्ज की कोई अच्छी सी इमेज ले लेनी है अपनी प्रोडक्ट की इमेज ले लेनी है यहाँ पर ये यह देखिए मैंने इमेज ऐड कर दी यहाँ पर ये यह देखिए इसका टेक्स्ट पहले वाइट था इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ ताकि बैकग्राउंड के साथ मैच हो जाए यहाँ पर ये यह देखिए इसको मैंने क्लिक करके यहाँ से इसको ब्लैक कर दिया बहुत ही आसान है बहुत ही आसान है किसी टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है यहाँ पर ये देखिए अपना एड्रेस वगैरह अपना फोन नंबर वगैरह आपने चेंज करना है सिंपल इसके ऊपर डबल क्लिक कीजिएगा अपना एड्रेस चेंज कर लीजिएगा यहाँ पर अपना फोन नंबर डाल लीजिएगा अपना ईमेल एड्रेस डाल दीजिएगा ताकि कोई भी क्लाइंट इंटरनेशनल क्लाइंट भी आता है तो आपसे कॉन्टैक्ट कर सके ठीक होगा जी सिंपल इसके बाद आपने सेव के बटन पर क्लिक कर लेना इसके एडजस्टमेंट करके यहां पर सिंपली मैं सेव के बटन पर जाऊँगा सेव कर दिया सो अब मेरे पास अबाउट का पेज और कंटैक्ट का पेज रेडी हो चुका है अब तीसरी ऑप्शन जो इंपॉर्टेंट है मैं अपनी शॉप क्रिएट करूंगा शॉप ऑलरेडी क्रिएटेड है सिर्फ मैंने उसको एडिट करना है अपनी प्रोडक्ट्स लगानी है अपनी प्रोडक्ट्स लिस्ट करनी है उसके लिए सिंपल शॉप के ऊपर आपने क्लिक करना है सो सबसे पहले मैं अपनी शॉप की टैगलाइन चेंज करूंगा हैंडक्राफ्ट होम डिकोर को मैं चेंज करके यहां पर पिंक साल्ट एंड नेचुरल प्रोडक्ट क्लिक लिख लूंगा यहाँ पर देखिए पिंक सॉल्ट नेचुरल प्रोडक्ट्स मैंने लिख लिया डबल क्लिक करेंगे उसके ऊपर आप जो मर्जी लिखी है जो मर्जी फॉन्ट आप चेंज कर सकते हैं कोई मसला नहीं है उसके बाद बैकग्राउंड इमेज चेंज करूंगा यहाँ पर ये देखिए चेंज बैकग्राउंड इमेज जो ऊपर आपको ऑप्शन नज़र आ रही है उसके ऊपर क्लिक करके अपनी जो बेहतरीन इमेज होगी आपके स्टोर की आप वहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाली सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर ली और फ्रंट जो इसका टेक्स्ट है उसको मैं ब्लैक कर दूंगा डबल क्लिक करके उसका कलर मैं ब्लैक कर दूंगा यहाँ पर ये यह देखिए मेरे स्टोर की जो मेन इमेज है हेडर इमेज चेंज हो चुकी है अब मैंने यहाँ पर जो प्रोडक्ट है उसको लिस्ट करना है ऑलरेडी यहाँ पर ये देखें होम डिकोवर की यहाँ पर चीजें थी यहाँ पर ये देखें हैंड क्राफ्ट की चीजें हैं इनको मैं चेंज कर देता हूँ सिंपल आपने मैनेज स्टोर के ऊपर क्लिक करना है सिंपल यहाँ पर जब फ्रोड डाउन करेंगे ना यहाँ पर देखें मैनेज प्रोडक्ट्स के ऊपर ऑप्शन नजर आ रही है ना सो सिंपली मैंने मैनेज प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक किया ये देखें मेरी सारी प्रोडक्ट्स जो इस डेमो में मुझे मिली थी मैं इसको चेंज करूंगा किसी एक एक प्रोडक्ट की सेटिंग के ऊपर आप क्लिक कीजिएगा और एडिट प्रोडक्ट कर दीजिएगा यहाँ पर ये देखें एडिट पेज या एडिट प्रोडक्ट के ऊपर आपने क्लिक किया जैसे आपने इसके ऊपर क्लिक किया आपको ये नेक्स्ट विंडो में ले जाएगा जहां पर हम उसकी चेंजिंग वगैरह करेंगे सबसे पहले यहां पर आपने अपने स्टोर का नाम लिखना है यहां पर फर्स्ट टाइम आपको स्टोर का नाम लिखना पड़ेगा किस कंट्री से है पाकिस्तान से है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा कौन सी करेंसी इंपॉर्टेंट है important? अगर आप अपनी चाहते हैं कि इंटरनेशनल क्लाइंट्स में है तो अपनी करेंसी को यूएस डॉलर में रखें अगर आप पाकिस्तानी करेंसी में भी करना चाहते हो तो पीके की भी ऑप्शन मौजूद है सो so, मैं चाहूँगा कि यहाँ पर यूएसडी ही रखू ताकि मुझे इंटरनेशनल क्लाइंट भी मिले तो मैं उनको भी इंटरटेन कर सकूं कंटिन्यू के बटन पे क्लिक किया यहाँ पर ये यह देखिए यहाँ पर ये यह देखिए आपके पास तीन ऑप्शन नजर आ रही है सबसे पहले मैं ऐड पेमेंट मैथड यहाँ पर ऐड करूंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मुझे पैसे कैसे मिले वो कस्टमर को जरूर पता होना चाहिए सो मैं यहाँ पर ऐड पेमेंट के ऊपर क्लिक करूंगा यहाँ पर ये देखिए जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया मेरे ने सामने नेक्स्ट ऑप्शन नजर आ जाएगी ये वाली यहाँ पर यह देखिए अगर आप कैश ऑन डिलीवरी करना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई बंदा ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करे सिंपल आपने ऐड के ऊपर क्लिक करके इनफॉर्मेशन लिख देनी है कि यू कैन मेक ऑनलाइन पेमेंट बाय पेपाल बाय पायोनियर या जो भी आपकी बैंक डिटेल वगैरह होगी सिंपल आपने यहाँ पर वो चीज़ें लिख देनी है क्लाइंट आपसे खुद कॉन्टैक्ट कर लेगा यहाँ पर यह देखिए मेक ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर और मैंने एड पेमेंट के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर दिया यहाँ पर देखिए पेमेंट मेथड ऐड हो चुका है अब मैंने प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक किया प्रोडक्ट्स को मैंने लिस्ट करना है यहाँ पर जो ऑलरेडी प्रोडक्ट है उसके ऊपर मैंने थ्री डॉट के ऊपर क्लिक किया यहाँ पर देखिए एडिट के ऊपर क्लिक किया और यहाँ से मैंने जो ऑलरेडी इसकी पिक्चर थी उसको मैं डिलीट कर दूंगा यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन अपनी डाल दूंगा अपनी प्रोडक्ट्स की सिंपल इसके डिलीट के बटन के ऊपर क्लिक किया यहाँ से मैंने अपनी पिंक साज की जो जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ऐड करना है उनकी पिक्चर ऐड करनी है देन उनका टाइटल यानी कि कौन सी वो प्रोडक्ट है वो मैं ऐड करूँगा प्रीमियम नेचुरल हिमालन सॉल्ट यहाँ पर ये देखिए उसकी डिस्क्रिप्शन अच्छे तरीके से अपने डिस्क्रिप्शन ऐड कर लेनी है डिस्क्रिप्शन अगर आपको खुद लिखनी नहीं आती तो सिंपली आप चैट जी पी टी से ऑप्टिमाइज डिस्क्रिप्शन लिखवा लीजिएगा इसके बाद सबसे एंड पे आपने इसकी प्राइस ऐड करनी है यहाँ पर देखें इसकी प्राइस डॉलर्स में है सो मैं दो तीन डॉलर इसकी प्राइस आपको एग्जाम्पल के तौर पर लिख देता हूँ आप इसकी प्राइस यहाँ पर लिख सकते हैं अगर कोई डिस्काउंट देना चाहें वो लिख सकते हैं कर सकते हैं स्टॉक कीपिंग यूनिट उसके बाद आप यहाँ पर उसका वेट वगैरह ऐड कर सकते हैं सो मैं इसका टू के जी या वन के जी वेट लिख लेता हूँ और सिंपली आपने सेव के बटन पर क्लिक कर देना है सो आपकी पहली प्रोडक्ट यहाँ पर लिस्ट हो चुकी है इस तरह आपने सेकंड, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सारी की सारी प्रोडक्ट्स को ऐड कर लेना है जो जो सी चीजें चाहते हैं आपके स्टोर के ऊपर चीजें रिफ्लेक्ट हों लिस्ट हो वो यहाँ पर आपने ऐड कर लेना सो so क्विकली मैं सारी प्रोडक्ट्स को ऐड कर लेता हूँ ताकि फाइनल लुक आपको अपनी वेबसाइट की ऑनलाइन शॉप की दिखा सकूँ सो so सारी चीजें मैंने लिस्ट कर ली हैं इसके बाद मैं क्या करूँगा यहाँ पर गो लाइव की जो ऑप्शन नजर आ रही है उसके ऊपर क्लिक करूंगा जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा गो लाइव वो करूंगा और मेरी जो वेबसाइट है लाइव हो जाएगी यानी कि पूरी दुनिया के लिए अब अवेलेबल है यहाँ पर देखे कंग्रेजुलेशन जैसे आपकी वेबसाइट लाइव हुई आप देख सकते हैं बेहतरीन से अंदाज में आपने जो जो लिखा है आपके सामने नजर आ रहा है कॉन्टेक्टस अबाउटस सारी प्रोडक्ट्स के पेजेस यहाँ पर नजर आ रहे हैं यहाँ पर देखिए जो जो चीजें आपने लिस्ट की हैं अबाउट अस के अंदर जाएंगे आपके अबाउट अस वाला पेज जो अभी आपने क्रिएट किया है मेरे साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी तरह जब आप कॉन्टेक्ट के पेज पे क्लिक करेंगे यहाँ पर ये देखिए कॉन्टैक्ट का पेज भी आपके सामने नजर आ रहा है जो मैंने अभी आपके सामने ऐड किए हैं इसके बाद जब आप शॉप पे क्लिक करेंगे आपकी सारी प्रोडक्ट्स जो आपने लिस्ट किए हैं यहाँ पर देखिए पिंक सॉल्ट हर किस्म के जो मैंने यहाँ पर तस्वीरें ऐड की हैं आपकी प्रोडक्ट की यहाँ पर डिस्क्रिप्शन नीचे उसकी प्राइस नजर आ रही होगी जैसे भी बंदा कोई क्लाइंट कोई कस्टमर आपकी वेबसाइट के ऊपर आएगा फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिक पिंक सॉट्ट के ऊपर मैंने क्लिक किया वो नेक्स्ट विंडो के ऊपर चले जाएगा यहाँ से वो एड टू कार्ट कर लेगा जितने भी पीस करना चाहें उसकी सारी डिस्क्रिप्शन लिखी होगी उस प्रोडक्ट की पिक्चर उसकी डिस्क्रिप्शन सब कुछ यहाँ पर लिखा होगा एड टू कार्ट करेगा एड टू बैक करेगा यहाँ पर ये देखिए उसके सामने नेक्स्ट ऑप्शन नजर आ जाएगी यहाँ पर देखिए फ्री डिलीवरी की ऑप्शन दी हुई है आपने

यहाँ पर ये यह देखिए आपको ई आएगी कि ये वाला ऑर्डर आपको रिसीव हुआ है ऑर्डर नंबर उस ऑर्डर की डिटेल जब आप व्यू ऑर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर ये यह देखिए आपको ये आपकी वेबसाइट की विंडो में स्टोर में अंदर ले जाएगा जहां पर आपको ऑर्डर की सारी डिटेल मिलेगी कस्टमर की डिटेल मिलेगी सो आप अपनी प्रोडक्ट को पैक कीजिए इस एड्रेस के ऊपर शिप कीजिए जब आप एड्रेस के ऊपर शिप कर लेंगे तो आप ऑर्डर को फुलफिल कर लीजिएगा और मार्क एज पेड कर लीजिएगा सो यहाँ तक आपका प्रोसेस हो जाता है कम्प्लीट सो फ्रेंड्स है कोई मुश्किल आसान तरीन तरीके से आप अपनी ई कॉमर्स की वेबसाइट अपना ऑनलाइन स्टोर क्रिएट कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्ट्स को आप लाइव लेके आ सकते हैं ग्लोबल मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं आई होप गाइज आपको ये वीडियो वैल्यूबल लगी होगी सो so इसको थम्स अप ज़रूर दीजिए अपना प्यार जरूर दीजिए शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और इस चैनल नाइवेटीजमेंट और को जरूर सब्सक्राइब कीजिए